हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वेल, मैं हाजिर हूँ आपके सामने और एक बार एक नया टॉपिक लेके, जिसे कहते हैं मेल पैटर्न बॉलनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको सिर्फ मेल पैटर्न बॉलनेस के बारे में जानकारी नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको काफी सारे ऐसे सेफ और इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज और मेडिसिन भी बताने वाली हूँ, जिसे आप यूज करके आपके होम लेवल पे भी काफी हद तक इसे बचा सकते। आएगा कि आपके बाल की थिनिंग हो रही है या आपके बाल गिरने लगे हैं। वेल, औरतों की तरह मेल्स में बालों की थिनिंग या मार्जिन में नहीं समझ आता है। बेसिकली दो तरीके के टिपिकल पैटर्न्स होते हैं या दो तरीके के एक क्लासिफिकेशन होता है जिससे मेल्स के बाल गिरते हैं। नंबर वन क्लासिफिकेशन है जिसे कहते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन, यानी बाल आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, यानी जो आगे का लाइन है हेयर का वो पीछे की तरफ रिसीड होने लगता है। यह है फर्स्ट क्लासिफिकेशन। और सेकंड क्लासिफिकेशन है क्राउन एरिया में अगर एक छोटा सा बॉल पैच आया हो तो वो आगे की तरफ प्रोसीड होता रहता है, जिससे इस तरीके से मेल पैटर्न बॉलनेस पाया जाता है। नॉर्मली मेल्स की एज जब 35 होती है तो 40% बाल का गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे एज प्रोसीड होके 60 इयर्स पे आती है तो 70% बालों का गिरना हो जाता है, और 80 इयर्स के एज पे 80% बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत नॉर्मल छोटे छोटे हमारे रूटीन हेयर टिप्स, जैसे कि अगर हमें नहाना है तो हम एक नॉर्मल माइल्ड पानी से नहाए, यानी एकदम ज्यादा गर्म पानी से नहीं, माइल्ड शैम्पू जिसको हम हाथ में ही डाइल्यूट करके हमारे स्कैल्प पे यूज करें, डायरेक्ट शैम्पू ना यूज करें, हार्श केमिकल्स, कलर्स, कंडीशनर्स या बहुत सारे स्ट्रेटनिंग जेल्स। ज्यादा करके जेंट्स में आदत होती है कि वो बहुत सारे जेल्स या क्रीम्स यूज करते हैं बालों को सेट करने के लिए, जो बहुत एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे बाल गिरने लगते हैं। सेकेंडली, अगर आपको ऑयल मसाज भी करना है तो वार्म ऑयल डेफिनेटली यूज कीजिए, बट बहुत ज्यादा रिगरस मसाज मत कीजिए। क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज आप हल्के से मसाज आप हफ्ते में दो बार कर सकते हैं। थर्ड है बालों को वॉश करके ड्राई करने में, बहुत ज्यादा रब करके बालों को ड्राई ना करें, ब्लो ड्रायर जितना हो सके आप कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि वो आपके हेयर के रूट्स को बहुत हद तक डैमेज करता है। ये तो हो गया चलो बालों को गिरने से रोकना हमारे नॉर्मल नेचुरल टिप्स में। अब जानते हैं कि हम खाने में क्या खाएं जिससे हमारे बाल नॉर्मल रहे। वेल फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे सब के बाल बने होते हैं प्रोटीन्स के, जिसका नाम है केराटिन। एक डेड टाइप का प्रोटीन है हमारे बॉडी में, तो जितना भी हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन सिक्रीट होता है वो जाके हमारे बाल में एब्जॉर्ब होता है। तो प्रोटीन में हम क्या ले सकते हैं, जैसे एग वाइट्स हैं, दाल्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, वो हम लेके हमारे बालों को काफी हद तक गिरने से रोक सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप बालों को ज्यादा ड्राई ना रखें, क्योंकि जो भी चीज ज्यादा ड्राई होगी वो टूटेगी और वो जरूरत से ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। जेंट्स को आदत होती है कि वो बाहर ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो अगर वो सन में निकल रहे हैं तो कोशिश की करें कि या वो ज्यादा सन या यूवी डैमेज ना हो बालों को, तो बालों को सही से कवर करें। अगर उन्हें ऑफिस या काम पे जाना है तो गीले बाल लेके ना जाए, बालों को सही से सुखा के बाहर जाए, ताकि जितना भी पॉल्यूशन और डस्ट बालों पे गीले रहने से, स्कैल्प गीले रहने से बालों को अट्रैक्ट करके बाल गिरने का और एक कारण ना बन जाए। एक बहुत बड़ा रीजन और भी पाया गया है जिससे बाल गिरते हैं, जैसे कि डैंड्रफ हो या स्कैल्प में कोई भी ज्यादा स्किन की कोई कंडीशन हो, जैसे सोरियासिस है या बहुत ज्यादा ड्राई स्कैल्प हो, या कभी कभी स्कैल्प में फुंसिया या एक्ने भी आती है जिससे हमारे बाल गिरते हैं, तो आपको इस समय मेडिकल हेल्प लेके जितना हो सके अपने स्कैल्प को ट्रीट करना चाहिए, ना कि अपने बाल। वेल, फिजियोलॉजिकल भी जानते हैं कि बाल एक्चुअली गिरते कैसे। बालों के होते हैं तीन स्टेज, जिसे कहते हैं एनाजिन, किटाजिन और टेलोजिन। ये 3-3 मंथ्स का साइकिल होता है बाल का, जिसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में बाल हमारे सिर्फ ग्रो होते हैं, बीच में बाल स्टेबल रहते हैं और लास्ट स्टेज में बाल सिर्फ गिरते रहते हैं। तो जब इस 3 स्टेजेस में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे बाल या तो सिर्फ गिरते ही रहते हैं या तो वो रुके ही रहते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। तो ये पैच जो आता है सर में, ये कोई एक ही दिन में नहीं आता, ये ग्रेजुअली आपको नजर आएगा। अलार्मिंग जब दिखता है जब आपको एक पैच दिखने लगता है, बट अगर आपने बालों का गिरना नोटिस किया तो जब से आपको अपना ट्रीटमेंट या जो भी कंसर्न करके आपको इस चीज को ठीक करना चाहिए। आज के डॉक्टर्स बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस भी करते हैं, खास करके जेंट्स के बालों को गिरने को लेके, कि नहीं आपके बाल रिटर्न आ जाएंगे, नहीं आप ये शैम्पू लगाइए, ये ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन आपको एक बेसिक चीज जानना है कि अगर आपका पर्टिकुलर हेयर का स्कैल्प का एरिया जिसमें अगर आपको बाल के रूट्स नजर आए, यानी आपको जड़े नजर आए जिसमें थोड़े थोड़े बेबी हेयर या फाइन हेयर भी है, तो काफी गुंजाइश है कि आपके बाल रिटर्न आ सकते हैं।
लेकिन अगर वो टोटली स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल भी हेयर रूट नहीं है, तो बिल्कुल भी आपके बाल नहीं आएंगे। बालों का गिरना काफी हद तक सेकेंडरी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे अगर हमें डायबिटीज हो, थायराइड हो, या अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, या हमें कोई बड़ी लंबी बीमारी हुई हो जैसे मलेरिया हो। कोविड के बाद भी काफी लोगों ने बालों का गिरना आजमाया है, बिकॉज काफी हैवी मेडिसिन भी ली जाती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बाल गिरना लोग नोटिस करते हैं। तो इसीलिए हमें मेडिसिन तो खैर हम जो लेते हैं उसे हम कम नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली काफी हद तक हमारे बालों के गिरने का जो ये हेयर साइकिल है उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। पाया गया है कि जेंट्स जो बहुत बाहर के देश में या आउट ऑफ कंट्री जाके ट्रैवल करते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, तो चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत होता है, जिसकी वजह से वो बालों का गिरना एक्सपीरियंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफी टेम्पररी होता है। जब वो काफी समय से नए जगह पे जाके जब एडजस्ट होके रह जाएंगे तो वो बालों का गिरना डेफिनेटली रुक जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं, अगर आप कहीं नई जगह से ट्रैवल करके आए हो तो वो स्टेबल होने के लिए उसको आपको अपने बालों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये मत भूलिए कि सबसे ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट जो एक फैक्टर है जिससे सारी बीमारियां पैदा होती है, वो है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, जो बहुत ज्यादा आज के जमाने में हो गया है, जो हम बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते, और ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है जिसके वजह से हमारे बाल गिरते हैं। जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हमारे डैडी या हमारे पैटर्नल या मैटर्नल साइड पे ज्यादा किसी को अर्ली एज पे अगर बाल गिरने की शिकायत है तो हमें वो काफी हद तक आ सकती है। तो बढ़ते हैं सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियो, जिसे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आप आपके बालों के गिरने को रोक सकते हो। वेल फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं आपको जो भी मेडिसिन बताऊंगी वो टेम्पररी तौर पे हैं, यानी आपको कोई वजह पता है और जिस वजह से ये हो रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, अलार्मिंग है, तो प्लीज आप कोई अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट या डॉक्टर के पास जाके अपनी सही से हिस्ट्री और रीजनिंग देके अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन नंबर वन कहते हैं एनीमिया, यानी अगर खून की कमी हो, तो मेल्स में भी काफी हद तक पाया गया है, तो अगर उसकी वजह से बाल का गिरना है, आपने देखा कि आपका खून कम है, आपने चेक कर लिया और उसके अलावा और कोई रीजन आपको समझ में नहीं आता है, तो बालों के गिरने के लिए हम फेरम फॉर 6x 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। वो टैबलेट फॉर्म में आएंगे और वो छोटे टैबलेट होते हैं जिसे आपको सिर्फ नॉर्मली च्यू करना है, चाहे तो पानी आप उसके बाद पी सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया है कि आप बहुत बड़ी कोई बीमारी से या बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो बहुत दिनों से, जैसे कि कोविड है या जॉन्डिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ऐसी कोई बड़ी मेडिसिन या जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक हुई हो, अगर आप वो ले रहे हो और उसके बाद से आपने नोटिस किया कि आपका बालों का गिरना बढ़ चुका है, तो आप नक्स वोमिका 4 पिल्स सुबह, 4 पिल्स दोपहर और 4 पिल्स शाम को खाने के बाद में आप ले सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया है कि आपके बालों का गिरना आपके स्ट्रेटनिंग या ब्लीचिंग या हेयर कलरिंग या ऐसा कोई हैवी कॉस्मेटिक आपने यूज किया है उसके बाद से ही आपको लगता है कि आपके बालों का गिरना शुरू हुआ है, तो आप आर्निका 4 पिल्स सुबह, 4 पिल्स दोपहर को और 4 पिल्स रात को ले सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया है कि आप कहीं बाहर से आए हैं, छुट्टी बना के आए हैं, या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जॉब की वजह से आप कहीं नई जगह पे चले गए और काफी सारे चेंजेस आ गए हैं टेम्परेचर, वेदर और हार्ड वाटर में, तो इसलिए आपको यूज करना है ब्रायोनिया 4 पिल्स सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद। अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, स्कैल्प ड्राई है और आपको लगता है कि स्केली और एकदम अनहेल्दी स्कैल्प की वजह से आपके बाल टूट रहे और गिर रहे हैं, तो आपको लेना है सल्फर 4 पिल्स सुबह, दोपहर और शाम। वैसे तो होम्योपैथी में काफी सारे ऑयल्स भी अवेलेबल है जो इजिली मार्केट में आपको मिल जाएंगे। आपको देखना है कॉम्बिनेशन आर्निका और जैमोरैन, ये दोनों हेयर टॉनिक्स हैं, जो आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हेयर ऑयल को आप लेके हल्का सा गर्म करके आप हफ्ते में 3 बार उसे लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी काम आए, और प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए आपको और किस चीज का हेल्थ कंडीशन है बालों को ले, और आने वाले वीडियोस में आपको किस चीज में इंफॉर्मेशन चाहिए। सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। माइंड योर बॉडी बाय डॉक्टर।